भारत वर्ष एक ऐसा नाम जिसे मन में सोचने मात्र से रग रग में जोश व हिम्मत भर जाती है। लहलहाते खेत, ऊंचे हिमालय, कलकल करती नदियां भारत की पहचान है। भारत अपने निडर व बहादुर जवानों का सदैव सम्मान करता है, जो बिना डर बिना भय के भारत माँ की सेवा करते हैं। देश के नौजवानों को लेकर जाता देशभक्ति के मार्ग की ओर देश की निरंतर सेवा में जुटा है राष्ट्रीय कैडेट कोर। जी हाँ, भारत के सपूतों को, नौजवानों को देशभक्ति व देश सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है भारत का एक ऐसा युवा संगठन जिस पर हर भारतीय को गर्व है। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठित एवं दृढ़ इरादों के लिए प्रसिद्ध युवा संगठन है। एनसीसी का आरंभ 1666 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के आदेश पर 1946 में पंडित एच एन कुंजूर के अधीन एक समिति बनाई गई और इसके तहत 16 जुलाई 1948 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीसी के 31वें एक्ट को पास कर एनसीसी का आरंभ किया गया। कभी गौर से देखिए एनसीसी का चिन्ह, स्वर्ण रंग में लाल, नीला व हल्का नीला रंग नजर आता है। लाल रंग थल सेना, गहरा नीला रंग जल सेना व हल्का नीला रंग वायु सेना को दर्शाता है। नेशनल कैडेट कोर पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट वर्क को एनसीसी के बेसिक प्रिंसिपल्स पे ट्रेनिंग देने में तत्पर है। एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन बच्चों को एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए और कंस्ट्रक्टिव सिटीजन बन के रहने में मदद करता है। एनसीसी ग्रुप जालंधर की 6 बटालियंस हैं, 5 आर्मी की और 1 एयरफोर्स की, जो कि तकरीबन पंजाब के 4 जिलों को कवर करती हैं, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर एवं नवा शहर। एनसीसी ग्रुप जालंधर में तकरीबन 13,942 कैडेट्स हैं, जो कि इस ग्रुप का हिस्सा हैं। अनुशासन जीवन का अभिन्न अंग होता है। अनुशासन ही जीवन में जीत को सुनिश्चित करता है। इसी अनुशासन को युवाओं में भरता है एनसीसी। कि मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में थे और उनका ये सपना था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। सो जो एनसीसी है वो एक गुड प्लेटफॉर्म है आर्मी में जाने के लिए। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनसीसी बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। आपसी मेलजोल व भाईचारे की भावना को और मजबूत करने के लिए एनसीसी कैडेट्स के लिए कैंपों का आयोजन किया जाता है, जहां उन्हें साथ मिलकर रहने, मिल बांटने व दूसरों की मदद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। I get to know how to work with unity and how to take care of others. Those my juniors and my batchmates, how to take care of them and how to motivate them for hard work. मेरा
और ये बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ हम कुछ सीख सकते हैं और बाकियों से अलग हो सकते हैं, बाकियों से डिफरेंट बनाता है हमें एनसीसी। यहाँ पे हमें पीडीपी क्लासेस और फिनिशिंग क्लासेस लगवाई जाती हैं जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं और हमें बाकियों से अलग बनाती हैं। एनसीसी की ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी ने अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, एक सिंपल लड़का था जो उसको एक बदल के एक अच्छे इंसान की तरह, एक वेल मैनर्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह चेंज कर दिया। कैडेट्स को छोटे हथियार चलाना, राइफल खोलना, बंद करना, मॉडल्स बनाना आदि सिखाया जाता है। जो युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कॉलेज जीवन में एनसीसी उत्तम माध्यम है। एनसीसी में युवाओं को अनुशासन, निडरता और निर्भय होना सिखाया जाता है। फायर! Our basic aim is to make them more confident and more responsible citizens of our country. प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यों से उत्तम कैडेट्स को चयनित करके गणतंत्रता दिवस की परेड में शामिल होने का मौका दिया जाता है, जिसे एनसीसी कैडेट्स के जीवन का मील पत्थर माना जाता है। इतना कुछ हमें मिलता है एनसीसी से, like you'll go for RDC से, जो कि हम क्या कहते हैं, हम टीवी पे देखते हैं जो RDC दिल्ली की परेड होती है 26 जैन की, वहाँ पे हमें मौका मिला जाता है कि हम वहाँ पे जाके परेड करें। एरो मॉडलिंग एयर विंग की एक गतिविधि है। इसमें कैडेट्स को एयरक्राफ्ट की सभी कंट्रोल्स एवं पैनल्स के बारे में बताया जाता है। कैडेट्स को एयरक्राफ्ट मॉडल्स उड़ाने का सुअवसर भी प्रदान करता है एयर विंग। We have a rock climbing camp, we have a leadership camps, we have an annual Republic Day camps, we have a PM Rally camps, we have an adventure camps. NCC जहां बहादुरों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है, वहीं समाज में सृजनात्मक कार्यों के लिए भी सक्षम बनाती है। जालंधर NCC ग्रुप ने सामाजिक गतिविधियों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आइए आपको इनसे अवगत करवाते हैं। यातायात के नियम सड़क पर उतरने वालों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। एनसीसी जालंधर ग्रुप द्वारा समय समय पर यातायात नियमों के संबंध में वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाता है। इन वर्कशॉप्स में एक्सीडेंटल सिचुएशंस के बारे में भी बताया जाता है एवं फर्स्ट एड की महत्वता के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। कैडेट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाता है। आज हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रोड पर लोगों को चलने के सिद्धांत बताए। सबसे पहले तो हमें ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाइड किया, तो फिर रोड पर आके हमने लोगों को गाइड किया। जालंधर NCC ग्रुप द्वारा डिजिटलाइजेशन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न डिजिटल इंडिया वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को पेटीएम्स व खरीदारी के बारे में बताया जा सके। भारत को स्वच्छता पूर्ण बनाने हेतु एनसीसी जालंधर ग्रुप द्वारा अनेक स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। कैडेट्स द्वारा वातावरण को हरा भरा रखने व साफ सफाई करने हेतु लोगों को वीडियोस द्वारा भी जागरूक किया गया है। भारत संपूर्ण विश्व में योग का प्रतिनिधित्व करता है। कैडेट्स के अभिभावकों द्वारा इन योग शिविरों में गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। गांव,
किसी भी देश की आत्मा होते हैं। इसी मंत्र को आत्मसात करने के उद्देश्य से एनसीसी जलंधर ग्रुप की बटालियंस द्वारा गांव को गोद लिया गया है। गांव के लोगों को उनके फर्जों व दायित्वों के बारे में समझाया जा सके, हर एनसीसी बटालियन ने दो गांव को गोद लिया हुआ है ताकि देखरेख का काम बेहतरीन व तसल्लीबख्श तरीके से किया जा सके। बहुत ही माण की गल है कि सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला जट्टा नूं 12 पंजाब बटालियन ने एनसीसी दे तहत एक टास्क देने लिए प्रेरित किया, जिस दे विच एनसीसी दीआं जो भी पॉलिसियां चलदियां हन उस नूं ग्राउंड लैवल ते इंप्लीमेंट करना है। ओवरऑल हमारी चेष्टा ये रहती है कि हर कैडेट को जो एनसीसी ज्वाइन करके हमारे पास आया है वेरिड एक्सपोजर दिया जाए ताकि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो और वो आगे चलकर हमारे इस देश का एक अच्छा नागरिक बनकर अपना योगदान कर सके। इस प्रकार से एनसीसी देश के युवा वर्ग एंड स्पेशली इस रीजन के युवा वर्ग को डेवलप करने में अपना दायित्व निभा रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में इस एरिया के बच्चे एनसीसी ट्रेनिंग हासिल कर देश सेवा में तत्पर रहेंगे और अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम, जालंधर ग्रुप का नाम और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करेंगे। जय हिंद।